हेलो दोस्तों, आज एक हम गैस लाइटर रिपेयर करेंगे। सबसे पहले मैं ये लाइटर को खोल लेता हूँ। जब खोलेंगे इसको ध्यान से खोलना, कोई पार्ट्स गुम ना हो जाए। देखो दोस्तों, मैंने इसको खोल दिया हूँ। अब धीरे धीरे एक एक पार्ट्स हम खोलेंगे। ये देखिए, इसका जो ये स्प्रिंग है ये भी संभाल कर रखना है। और ये निकालने के बाद इसको अंदर भी जो है उसको हम थोड़ा धक्का देंगे स्क्रू ड्राइवर सहायता से, तब जाकर निकलेगा। ये एक वाशर है, उसको नोज प्लायर से उसको निकाल दिया मैंने, तब जाकर वो निकला। आगे का भाग जो है जिसमें हमारा सिंगरी निकलता है, अब ये खाली है पाइप। अब ये जो इसमें सिंगरी निकलता है ये बहुत गंदा है, उसको हम साफ करेंगे। ये देखिए, ये रोड आगे से जंग लग चुका है, उसको हम रेग मार्क जो सैंड पेपर बोलते हैं उससे हम साफ करेंगे। इसको देखिए, इस तरीके से आप धीरे धीरे घुमाएंगे तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और आगे वाला हिस्सा को भी थोड़ा घिस दीजिए, वहाँ भी जितना भी जंग है वो सब हट जाएगा। इसको अच्छे तरह से साफ करना है, नहीं तो ये स्पार्क देता है वो बढ़िया से नहीं देगा, तो अच्छे स्पार्क नहीं निकलेगा तो आपका गैस चूल्हा एक बार में नहीं जलेगा। तो इसलिए इसको अच्छे से साफ़ करें और ये अच्छे से काम करेगा। अब मैंने उसको साफ़ कर दिया हूँ। अब हम इसके अंदर जैसे था ऐसे फिर फिट करेंगे। सबसे पहले ये वाला जो पार्ट्स लोहे का रॉड मैंने बैठा दिया, उसको थोड़ा आगे को लिए धकेल देता हूँ। उसके बाद फिर ये दूसरा पार्ट्स जो है उसको भी साफ करके रखा था मैंने, उसको भी इसी के अंदर फिर बैठा दिया। उसके बाद इसको ये पाइप के अंदर मैंने डाल दिया और ये छोटा सा जो वाशर था उसको मैंने उसके अंदर बैठा दिया, ये आगे की तरफ चला गया। उसके बाद फिर ये जो पार्ट्स बच गया है, ये जो स्प्रिंग वगैरह है उसको भी थोड़ा मैं साफ कर लेता हूँ। और इसका आगे का हिस्सा भी जंग लग चुका है, इसको भी थोड़ा सैंड पेपर से मैंने घिस के साफ कर देता हूँ। ये मैंने इसको साफ कर दिया हूँ, वो चमक गया है। अब इसको हम उसमें फिट करेंगे। ये पहले इस प्लास्टिक के अंदर बैठा दिया, उसके बाद फिर इसके पाइप के अंदर इसको मैंने लगा दिया। उसके बाद ये प्रेस बटन लगा के मैंने टाइट कर दिया। अब हम इसको चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा चिंगारी निकल रहा है, बहुत बढ़िया स्पार्क दे रहा है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।